प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, अगर आप किसी को भी अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं और उससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए वशीकरण का इतना आसान और सरल उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने किसी भी रूठे हुए दोस्त या दुश्मन या पति पत्नी किसी को भी मना सकते हैं। परंतु यह विधि शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि यह विधि उतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है और इसके बाद में इसका उतारा नहीं होता है, तो आप इसका प्रयोग सोच समझकर ही कीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आजकल के बढ़ते आकर्षण की किसी व्यक्ति को वश में करने की चाहत को पूरा करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ ऐसा ही युवा प्यार करने वाले लोगों को मिलाने वाली की विधि के बारे में मैं आपको बताती हूँ कैसे प्रेमी व प्रेमिका को और माता पिता को, अपने बच्चों को या कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को अपने वश में कर सकते हैं। इस टोटके से वो इंसान जिससे आप प्यार करते हैं वो चुंबक की तरह आपके पास खींचा चला आएगा और किसी भी महिला या पुरुष को चुटकियों में आप अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस विधि को करने के लिए आपने एक सफेद कागज लेना है, उसका नाम लिखना है और उसकी उम्र अवश्य लिखनी है। उसके बाद चावल के दानों को अपने दाएं हाथ के हथेली पर रखना है, 21 बार एक मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद एक दीपक जलाकर दीपक के ऊपर से हाथ को 5 बार घुमाना है और फिर उसके बाद माँ ज्वाला देवी का नाम लेना है, चावल के ऊपर सिंदूर लगाना है और फिर मुट्ठी को बंद करके फिर से दीपक के ऊपर से घुमाना है, फिर कागज के ऊपर रख देना है और फिर कागज को मोड़कर बंद कर देना है। और एक बात खास ध्यान रखनी है कि आपको ये उपाय पीले रंग के आसन पर ही करना है और स्नान करने के बाद ही करना है। और ये उपाय करने के बाद आपका जो कागज इसमें चावल रखते हैं उसको किसी भी छोटी डिब्बे में बंद करके किसी भी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है। और यकीन मानिए, जैसे ही आप ये कार्य करके घर आएंगे वो इंसान आपके वश में हो चुका होगा, आपकी सारी बात मान जाएगा। अगर दोस्तों आप कहीं देश विदेश में रहते हैं या फिर किसी कारणवश ये कार्य करने में असमर्थ हैं या आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं तो ये कार्य आप गुरु माताजी से भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कॉल करके गुरु माताजी से अपने नाम के अनुसार, राशि के अनुसार अपना मंत्र ले सकते हैं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द हमें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। जय माता दी।